हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू डेलिकेशियस टेल्स। गुड मॉर्निंग, एक और नए दिन में आप सबका स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम आ गए हैं बीच का ये नज़ारा एंजॉय करने। इतनी सुबह आए हम एंड आई वॉजन एक्सपेक्टिंग मैनी पीपल एट दिस अर्ली मॉर्निंग, बट टू माई सरप्राइज यहाँ तो इतने सुबह भी काफ़ी भीड़ है। एनीवे, चलते चलते हमें लगता है कुछ इंटरेस्टिंग मिल गया है शायद। चलो देखते हैं इतनी भीड़ क्यों है। अच्छा, तो सुबह सुबह मछुआरे फ्रेश सी फूड पकड़ के लाए हैं, बहुत अच्छा। यू कैन सी काफ़ी वेराइटीज़ ऑफ मछली यहाँ पर हैं। ये बोट के पास ना सारे बंगाली पीपल ने ढेर जमा है, हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल बंगाली पीपल लव फिश। तो इफ एनी बॉन्ग वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, ताड़ाताड़ी लाइक कर दाओ। अरे बाप रे, ये देखो क्या यूनिक फिश देखने को मिला है। मतलब ऐसा लग रहा है कि एनिमल प्लैनेट के रिवर मॉन्स्टर पे जेरेमी वेड के साथ हम घूमने आए हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेम ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, तो दूर से ही देखते हैं। तो यहाँ पर ना वेरियस डिज़ाइन के कॉन्च शेल्स और स्टोन्स भी ये लोग बेचने के लिए ला चुके हैं सुबह सुबह गोता लगा के, जिनमें से 2 एक्चुअली हमने भी खरीद लिए ना, इतने खूबसूरत और सस्ते में मिल रहे थे तो ले लिए। ओके, सो नाउ मम्मी इज़ बाइंग दिस सम रियल पर्ल का नेकलेस एंड मेकिंग मी वेयर इट। अभी तक एक्चुअली मेरा इतना मूड नहीं बना भीगने का, तो मेंटेनिंग अ बिट डिस्टेंस। जब से हम यहाँ आए हैं ना, तब से लेकर अब तक पहली बार दर्शन हुए समुंदर देव के, तो उनको मेरी तरफ से सादर प्रणाम। घूमते घूमते ना यहाँ इतना सुंदर सैंड आर्ट देखने को मिल गया है, शिव जी के दर्शन मिल गए सुबह सुबह। बाय द वे, मम्मी और छोटी तब से आर्टिस्ट की बहुत तारीफ किए जा रहे हैं। तो इनका नाम राहुल सरकार है और ये रोज अर्ली मॉर्निंग आकर यहाँ इतने प्रेजवर्दी पीसेस ऑफ आर्ट क्रिएट करते हैं, पर जितना रिकग्निशन और उसके तौर पे जो मोनेटाइजेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो प्लीज़ अगर आप लोग भी यहाँ पे आते हैं तो जितना आपसे बन पाए उतना इनको सपोर्ट करें। हमें तो भाई ये बहुत टैलेंटेड लगे। Yeah.
तो अब चलते हैं फाइनली समंदर के साथ कबड्डी खेलने। ऐसे यहाँ बीच साइड में सुबह सुबह ताज़ी हवा चल रही है तो बस शांत होके बैठने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे सच कहूँ ना तो मुझे बीच में बैठ के सनसेट का व्यू देखना बहुत अच्छा लगता है। आपको कौन से टाइम पे बीच में आना अच्छा लगता है जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो। छोटी को बड़े मज़े आ रहे हैं। This is heaven, pure bliss. सुबह से ना इतना भागा दौड़ी और खेलकूद के बाद थैंक गॉड वे फाउंड दिस ग्रीन कोकोनट। तो देर किस बात की, थोड़ा बॉडी को हाइड्रेट और रिफ्रेश किया जाए नारियल पानी के साथ। अभी ना सच बताऊँ तो पूरी ट्रिप का रोलर कोस्टर पार्ट यही था मेरे लिए, ये कैमल राइड। हम दोनों आ गए हैं इस कैमल राइड के लिए। मतलब जैसा कि मैंने बोला कि ये रोलर कोस्टर पार्ट है, ये मतलब सही बोला, बिकॉज एक मोमेंट पे मुझे अच्छा लग रहा था, एक मोमेंट बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मतलब मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी यहाँ पे बैठने के कैमल के ऊपर, बिकॉज मुझे भरोसा ही नहीं था कैमल के ऊपर, कहीं मुझे गिरा ना दे इतने ऊपर से। तो सिर्फ छोटी की वजह से मुझे बैठना पड़ा। और सच में मतलब सच बताऊँ तो ना मुझे बीच बीच से ऐसा लगा दौरे पड़ रहे हैं, ऑल्टो होविया हो गया शायद मुझे। और वो कैमल जो मटक मटक के चल रही थी, मैं क्या बताऊँ यार, मुझे तो लगा ही आज मैं गिरी पक्का सच में। और शायद ही मैं आप लोग को एक्सप्रेस नहीं कर सकती वो फीलिंग, बट क्या वो जो ही बैठेगा ना उसी को समझ में आएगा कि कैसा होता है वो। बट मज़ा आया मुझे, हाँ ठीक है मज़ा आया, मैं मानती हूँ मज़ा आया मुझे।
तो फाइनली वे बज रहे हैं सुबह के 7 और हमारा सारा घूमना खेलना कूदना ख़त्म और आ गए हम ब्रेकफास्ट करने स्टॉल पे जहाँ हमें ब्रेड और ऑमलेट खाने को मिला। तो पूरे बीच में ना बहुत सारे स्टॉल्स ऐसे थे जहाँ पे मैगी मिल रही थी और कुछ ऐसे भी स्टॉल्स थे जहाँ पे ब्रेड ऑमलेट थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा ब्रेड ऑमलेट ही खा लेते हैं। तो ये प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है, मतलब घर जैसा ही है, और मैं सोच रही हूँ कि हम यहाँ ना खा के इसको रूम में ले जाए बिकॉज़ हम लोग खाने के हालत में है नहीं अभी बिल्कुल भी, तो रूम में अच्छे से नहा धो के सफाई से बैठ के खाएंगे। ओके तो मिलते हैं रूम में एकदम से। टडा, हियर कम्स द ब्रेकफास्ट। आप लोग सोच रहे हैं कि दही बड़ा आलू दम कहाँ से आया? एक्चुअली ना हम लोग आ रहे थे रास्ते में, हमें मिल गया एक बहुत ही क्राउडेड सा स्टॉल जहाँ पे एक आदमी ऐसे दही बड़ा आलू दम बेच रहा था। तो वी थॉट कि चलो टेस्ट कर लेते हैं यहाँ का कैसा है, बिकॉज कटक का तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, देखते हैं यहाँ का कैसा है टेस्ट। तो साथ में थोड़े फ्रूट्स वगैरह भी हैं, चलो टेस्ट करते हैं। ठीक है तो टेस्ट इज़ लाइक डिसेंट, इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है बिकॉज़ हमने इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट का खाया है, तो वैसे तो एक्सपेक्टेशंस रहेंगी ज़्यादा, बट जगह के हिसाब से ठीक है, डिसेंट है, चलेगा। तो अब ब्रेड ऑमलेट थोड़े सॉगी हो गए, मतलब सिकुड़ गए, थोड़े ठंडे हो गए, बट द टेस्ट वॉज गुड, ठीक है, अच्छा है। तो फाइनली इट्स लंच टाइम और मेरे प्लेट पे अभी है प्लेन राइस, मशरूम मसाला एंड देयर इज सम फिश टिक्का मसाला। ओके टेस्ट करते हैं। ये मशरूम का ग्रेवी इतना ज़्यादा रेड और ऐसा लग रहा है ना, तो मुझे डर लग रहा है कहीं बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो। मैं तो वैसे स्पाइसी खाना खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बट लेट्स सी कैसा है। मशरूम डिसअपॉइंटिंग, सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो अभी फिश ट्राई करके देखते हैं कैसा है टेस्ट में। Seems like it's rohu fish. हाँ तो fish अच्छा है, मतलब fresh है and taste बहुत अच्छा है। तो it's dinner time guys. Actually हम सब इतने थोड़े tired थे तो सब सो ही गए थे और लेट से उठे, टीवी देख रहे थे रूम में, थोड़ा ऐसे चिल कर रहे थे, तो डिनर कर लिया। आज जैसे इवनिंग को थोड़ा व्लॉगिंग वगैरह करने बाहर घूमने नहीं जा पाए, बट इट्स ओके, अभी डिनर का टाइम है तो डिनर कैसा है वो टेस्ट करके देखते हैं। तो डिनर में है अभी गर्मा गर्म रोटी और हमारे पास है वेज मंचूरियन। तो लेट्स अनबॉक्स एवरीथिंग। माय गॉड, ये इतने सुंदर लग रहे देखने में, मैं क्या ही बताऊँ यार, मुंह में पानी आ रहा है देख के सच में।
तो ये बन गया हमारा प्यारा सा बाइट। लेट मी एक्नॉलेज दिस फैक्ट कि दिस इज लिटरली एक्सट्रीमली टेस्टी। फाइनली इट्स 12 एंड हैप्पी बर्थडे मम्मा। शी टर्न्स 46 टुडे और यहाँ छोटी सो गई है और ज्योति टीवी देख रही है। हम लोग मिडनाइट सेलिब्रेशन के लिए उसको उठा रहे हैं बट वो उठ नहीं रही बिकॉज बहुत टायर्ड है। ठीक है, हम लोग केक कटिंग करना स्टार्ट। तो दिस इज़ हाउ द डे एंडेड रियली वेल। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डेलिकेशियस टेल्स। बाय।